आज के वीडियो का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इंट्रोडक्शन दूँ, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए, और जब मैंने थोड़ी रिसर्च की तो वाकई में सैड हो गया, और मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग मुझसे क्यों इसरार कर रहे थे इस वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए। 2 दिन तक मैंने अपने आप को रोका क्योंकि मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। एनीवेज, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। टिकटॉक एक बीमारी है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी उसका शिकार रह चुका हूँ इनिशियली, लेकिन मैं बहुत जल्दी जान गया था कि ना बाबा ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन इस टिकटॉक ने बहुत सी नौजवान नस्ल को ख़राब भी किया है, अच्छे स्टार्स भी दिए हैं, और रातों रात जो है उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। उसके नशे में इतने यंग जनरेशन आ रही है, वो तरह तरह के कोई ना कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाने पे, ना शर्म ना हया ना अपनी जान की फिक्र ना अपने कल्चर की फिक्र ना वैल्यूज़ की फिक्र, बस रातों रात सेंसेशन बनने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ कर डाला है। पाकिस्तान का एक ऐसा ही टिकटॉक सुपरस्टार, 321,000 उसके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे और 5.7 मिलियन उसके व्यूज़ हैं टिकटॉक वीडियोस के। 18 साल का लड़का रिसेंटली 19th ऑफ सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, यू नो हाउ, जी हाँ, टिकटॉक वीडियो शूट कर रहे थे तीनों दोस्त मिलके गाड़ी में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रात के अंधेरे में, और साइड से कोई गाड़ी गुजरी, उसने टेक ओवर किया एंड गाड़ी बेकाबू हो गई और वहीं पर तीनों दोस्त जो हैं इस जहाने फानी से कूच कर गए, यानी कि दे डाइड। 18 साल का लड़का था, काफ़ी मशहूर, काफ़ी खूबसूरत था ये लड़का, दानियाल खान उसका नाम था। अभी भी चैनल मौजूद है टिकटॉक पर उसका, लेकिन आई थिंक वो प्राइवेट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज डेथ। और जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो उसके वीडियो से कंपाइलेशन है, आई होप यू विल लाइक इट। यह लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज। इज सच अ हैंडसम गाय, 18 साल का लड़का यार, क्या खूबसूरत है ये, वाओ। स्टूडेंट ऑफ PGC एंड फेमस टिकटॉक यूजर। इस वीडियो में इसके तीन और दोस्त हैं जो उसके साथ फोत हो गए। ट्रस्ट में मुझे हंसी भी नहीं आ रही क्योंकि मेरे जहन में वही मंजर घूम रहा है इस बच्चे का जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है।
such a handsome guy. Wow. Good man. आई थिंक ये उस वक्त का है जब स्टार्ट किया होगा म्यूजिकली जब था टिकटॉक तो आई थिंक इज अ क्वाइट ओल्ड यूजर एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा ट्रस्ट मी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर रिएक्शन क्या दूँ मेरा रिएक्शन मेरे चेहरे से और मेरी आवाज़ से मेरे अल्फाज से आप लोगों को दिख ही रहा होगा 18 साल का लड़का इसके साथ जो तीन लड़कों की डेथ हुई है वो भी 18-19 साल के लगभग होंगे क्या उम्र है ये जवान मौत और जवान बच्चे का जनाजा अगर किसी भी फैमिली के भाई बहन बाप उठाते हैं ना तो वो मनोवजनी होता है मनोवजनी होता है टिकटॉक बीमारी उसको इसीलिए कहा जाता है कि उसके नशे में बच्चे आजकल की यंग जनरेशन स्पेशली इतनी पागल हो गई है अपने होश हवास खो दिए हैं सिर्फ रातों रात सेंसेशन बनने के चक्कर में और अपने आप को हर किसी से कंपटीशन देने के चक्कर में और ये भी नहीं देखते कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसान है क्या उनकी एजुकेशन रह जाएगी या वो किस तरह आगे जा सकते हैं किसी और फील्ड में आगे ये सब भूल चुके हैं जो जो टिकटॉक पे हैं इस वक्त 120 किलोमीटर की रफ्तार से वीडियो बना रहे थे गाड़ी के अंदर जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन तो होगी और जाके वो दरख्त में लगी गाड़ी और जो आई विटनेसेस हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोगों ने एक धमाका सुना क्योंकि रात का 1 या 2 बजे का टाइम था तो हम परेशान गए कहीं कोई बम वगैरह तो नहीं ब्लास्ट हुआ लेकिन जाके देखा तो गाड़ी ब्लास्ट हुई क्योंकि वो जाके दरख से लगी थी फुल स्पीड के साथ दानियाल की मौत उसी वक्त हो गई उनके साथ एक और दोस्त था उसकी डेथ उसी वक्त हो गई थी लेकिन तीसरा जो है अस्पताल में जाके उसने दम तोड़ा मेरी एडवाइस और मेरी एक बात याद रखें जो भी यंग जनरेशन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ठीक है आप अपना शौक पूरा करो अपनी ख्वाहिशें अपने ड्रीम्स पूरे करो लेकिन यू हैव टू टेक एवरी सिंगल प्रिकॉशंस टू डू थिंग्स सेफली अपने आप को सेफ रखोगे तभी आगे बढ़ सकते हो
लेकिन जवानी के जोश में स्पेशली ड्राइविंग, जब यंग जनरेशन या ज़्यादातर नौजवानों के पास जब गाड़ी आती है ना, तो वैसे भी हवा के घोड़े पे सवार होते ही हैं वो, तो यस अनकंट्रोलेबल है ये दुनिया में, हर बच्चों के साथ यही होता है। टीनएजर्स हों, 18, 19 साल, 20, 21 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बस फास्ट एंड फ्यूरियस ने सबका दिमाग ख़राब किया हुआ है। और काश मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियोस उनकी फैमिलीज़ वाले देखते होंगे तो उन पर क्या गुज़रती होगी अब, कि जीता जागता लड़का उनके सामने, वीडियो उनकी एक किस्म की याददाश्त बन गई है। अपने बच्चे का जनाजा कंधे पर उठाया गए, सॉरी यार, एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया। आई डिडंट वांट टू डू इट एनीवे। आप मुझे ये बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये जो टिकटॉक की बीमारी है इसको किस तरीके से दूर किया जाए, और आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक की एप्लीकेशन को रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए जिस तरह से हम अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट कर सकें कि सेफ्टी फर्स्ट देन आप मशहूर हो जाओ, ख्वाब पूरे करो, कुछ भी करो, यू कैन बिकम सेलिब्रिटी, नो वन कैन स्टॉप यू, बट सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिलीज के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड बाय।